आपके एसोसिएशन के बारे में जानना चाहेंगे ज्वेल्स के साथ, किस तरह का एसोसिएशन होने वाला है? एसोसिएशन आज शुरू हुआ है और एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ इस बात से, और ये मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है, और ये सब मास्टर्स हैं इस सारे एरिया के, तो मैं खुद सीखना चाह रही हूँ और इस सारे कॉन्सेप्ट को साथ लेके आगे बढ़ना चाह रही हूँ। जैसे कि आपने कहा कि आप काफ़ी लंबे समय के साथ किसी ब्रांड को एंडोर्स करने वाली, तो एक ब्रांड को एंडोर्स करने से पहले आप क्या चीज़ें देखती है उस ब्रांड में, क्या खास चीज़ें होनी चाहिए उस ब्रांड? क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए और क्वालिटी होनी चाहिए, और ऐसा ब्रांड होना चाहिए जिसके साथ आप अपना नाम जोड़ने से आपको कोई दिक्कत ना हो। ज्वेलरी की बात करें तो किस तरह की ज्वेलरी आप पहनना पसंद करते हैं? मैं तो बड़े बड़े डायमंड्स पहनना पसंद करती हूँ लेकिन जितना मुझसे अफोर्ड हो सकता है वो ज्वेलरी पहनती हूँ, और लेकिन मुझे जड़ाऊ ज्वेलरी का बहुत शौक है, जैसे अब मैंने पहनी है। हाँ, आज के ज्वेलरी के बारे में कुछ बताइए, किस तरह का ज्वेलरी? ये पोलकी है, जड़ाऊ है, इसमें रूबीज हैं, राइट? तो पर्सनली ये मेरी फेवरेट ज्वेलरी है, क्योंकि आई थिंक ट्रेडिशनल ज्वेलरी की बात कुछ और ही होती है। ज्वेलरी से जुड़ी ऐसी कोई मेमोरी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, आज कोई गिफ्ट मिली हो आपको या आपकी लाइफ की पहली? अनफॉर्चुनेटली मुझे किसी ने कभी कोई ज्वेलरी गिफ्ट नहीं की है, मैंने जितनी ज्वेलरी खरीदी है मैंने अपने मेहनत के पैसों से खरीदी है लेकिन मुझे डायमंड्स का बहुत बहुत शौक रहा है, तो मैंने अपनी मुझे हमेशा ख्वाहिश थी एक हार्ट शेप डायमंड खरीदने की, एंड आई मस्ट शेयर दैट मेरी पहली कमाई से मैंने पैसे जमा कर करके एक कैरेट का मेरा पहला डायमंड खरीदा था, जब सिर्फ कुछ 90,000 का एक कैरेट हुआ करता था, नाउ इट्स अनइमेजिनेबल, सो इट्स माय फेवरेट पीस ऑफ ज्वेलरी। ओके, व्हाट गिफ्ट्स इज योर बर्थडे कमिंग, सो व्हाट आर योर प्लान्स फॉर योर बर्थडे? नो प्लान्स येट, आई नेवर हैव एनी प्लान्स फॉर माय बर्थडे, आई ऑलवेज वांट टू रन अवे फ्रॉम माय बर्थडे समवेयर बट माय फ्रेंड्स विल नॉट अलाउ मी टू रन अवे। एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट यू वांट टू शेयर विद अस? नॉट फॉर दिस ईयर। आपको किसी ने, जैसे आपने बताया किसी ने आपको ज्वेलरी गिफ्ट नहीं करी है, कोई डायमंड गिफ्ट नहीं किया, तब इसीलिए आपने सोचा कि चलो इस संस्था से जुड़ जाते ये लोग भी मुझे कुछ गिफ्ट नहीं करने वाले सर, करेंगे नहीं करेंगे? शायद ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ इनके चाहने वाले भारतवर्ष और विदेश में इतने सैकड़ों लोग हैं, ये इनके कहने पर शायद अभी ये पोर्टल के जरिए इनके पसंदीदा चीज चूज करके इनको गिफ्ट कर पाए। ठीक है, मेरे क्वेश्चन ये, इसको ज्वेलरी अगर आपको गिफ्ट करनी हो तो वो कौन होगा, अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री में से अगर किसी को गिफ्ट करनी हो आपको ज्वेलरी, वो कौन होगा? चलो, मेरा बेस्ट है तो मैं अपने सारे दोस्तों को ज्वेलरी गिफ्ट करूं, मेरी सारी जितनी फीमेल फ्रेंड्स हैं उनको ज्वेलरी गिफ्ट करूं। सो ज्वेलसुक वेबसाइट है जहाँ जिसके तहत बहुत सारे ज्वेलरी ब्रांड्स हैं जो जिनकी ज्वेलरी आपको ख़रीदने को मिलेगी ज्वेलसुक के अंडर एट अफोर्डेबल प्राइसेस। तो मुझे लगता है ये नया ट्रेंड जो है उससे कंज्यूमर्स को बहुत फ़ायदा होगा, कन्वीनियंस है और कंपैरिजन करने का मौका मिलेगा, और मेरे लिए तो कंफर्ट और कन्वीनियंस है। मैम, ज्वेलसुक ही क्यों, इससे पहले और भी बहुत सारे ब्रांड्स आ चुके हैं, उनसे आप डायरेक्ट क्यों नहीं हुए, उनसे क्यों नहीं जुड़े आप उन संस्थाओं से? क्योंकि इन लोगों ने मुझसे दोस्ती करने का करने की इच्छा बताई तो मैं आगे बढ़ी, और मैं वैसे भी मतलब ऑब्वियसली मैं ऐसे ब्रांड के साथ एसोसिएट करना चाहती हूँ जहाँ मुझे कम्फर्टेबल महसूस हो और जिस ब्रांड में क्रेडिबिलिटी हो, तो मुझे ये उस सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता हुआ नज़र आया जी। तो मुझे क्योंकि आप अपने फैंस के लिए खुद एक डायमंड हैं, वो खुद एक आपको हीरा मानते हैं, हीरे को हीरे की क्या जरूरत पड़ेगी, मतलब आप क्यों जुड़ी इससे, कुछ कुछ अरे कुछ तो बात होगी। ब्रांड एंडोर्समेंट है और इसका मतलब कोई, इसकी कोई खास वजह तो मुझे नज़र नहीं आती। वैसे तो हम फिल्में भी करते हैं तो उसकी भी कोई मतलब या तो वजह ढूंढनी पड़ेगी फिल्म को हाँ बोलने के लिए, तो जैसे हम फिल्म करते हैं वैसे ब्रांड को एंडोर्स करते हैं, आपको उसका एसोसिएशन अच्छा लगता है, उस ब्रांड की रेपुटेशन आपको अच्छी लगती है, और ज्वेलरी तो ज्वेलरी है,
ज्वेलरी हमेशा एक औरत के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़ है एसोसिएट करने के लिए, तो मुझे ऐसा कुछ खास सोचना नहीं पड़ा। तमो जी, डायमंड्स आप किन किन समारोह पर पहनना पसंद करती हैं, या फिर घर पे भी हमेशा आप रहती हैं कि डायमंड्स चलो अभी कोई है नहीं, या फिर बहुत से लोग आए हुए हैं तो डायमंड्स पहन लिए जाए, कब कब पहनना पसंद करती हैं आप? डायमंड्स डिपेंड करता है ओकेजन पे और डायमंड के साइज पे आई थिंक, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही पहनती हैं, कभी कभी हमेशा कभी 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 हमेशा जी बिल्कुल। तमो जी, आपने जिंदगी में जब पहला डायमंड लिया जी, तो आपने पहले भी बताया कि बहुत अच्छा लगा आपको जी, तो आपने ये भी बताया कि आपने अभी तक सहेज के उसे रखा हुआ है जी, उस डायमंड के कंपैरिजन में जो आपने बाकी डायमंड्स बाद में लिए उनकी क्या वैल्यू है उसके सामने, मतलब इक्वल है या फिर वो ज्यादा मायने रखता है आपके लिए? वैल्यू मॉनेटरीली शायद दूसरे डायमंड्स की बहुत बड़ी है उसके सामने, लेकिन मेरे लिए इमोशनली और सेंटिमेंटली वो मेरा हार्ट शेप डायमंड बहुत मायने रखता है जी। तो मुझे दिवाली आ रही है, अपने चाहने वालों दर्शकों के लिए कुछ विशेष आप दे सकती हैं? बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दिवाली की मेरे सारे दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।